चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। बीजेपी शासित इस दक्षिण भारतीय राज्य में एक ही चरण में 5 मई को मतदान होगा, जिसके लिए अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी होगी। वोटों की गिनती 8 मई को की जाएगी। सियासी नजरिए से काफी उथल पुथल पैदा करके अक्सर सुर्खियों के रहने वाले प्रदेश कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव का बिगुल फूंक दिया। यहाँ 5 मई को चुनाव होंगे। इस दिन रविवार है और 8 मई को मतगणना होगी। राज्य में चुनाव की अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी होगी और एक ही दौर में पूरे राज्य की 224 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 मई 2013 व्हिच इज अ संडे काउंटिंग ऑफ वोट्स शैल बी ऑन 8 मई 2013 आवर्स ऑफ पोल शैल बी फ्रॉम 8 AM टू 5 PM। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि तारीखों की घोषणा होने से पहले ही राज्य में सियासी दलों ने उम्मीदवारों के चयन का काम तेज कर दिया है। राज्य में फिलहाल तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कई बार कर्नाटक में नाटक की स्थिति पैदा की है। बीजेपी में बवंडर लाने का काम किया है उसी शख्स ने जो उसको किसी दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार सत्ता में लाया था। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा जो आज बीजेपी से अलग होकर केजेपी बना चुके हैं और माना जा रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता संघर्ष की सबसे अहम कड़ी भी वही साबित होंगे।